जब हजारों लोग वीडियो बना रहे हैं माननीय न्यायालय के आदेश से बेघर होने वाले हैं, लोगों के सामने से, लोगों के ऊपर से उनका अच्छा छीनने वाला है। ऐसी परिस्थिति में आप उपस्थित हजारों नर नारी, लेकिन कुछ कहने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कल ही शाम को, देर शाम को टेलीफोन से भी नहीं बल्कि व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मुझे केवल इतनी जानकारी मिली कि ये जगह, यहाँ जितने मकान हैं वो खाली कराया जाने वाला है अभी। और आप लोगों के सामने एकदम से आपातकाल की स्थिति है, इमरजेंसी है। मेरे पास समय का अभाव था, मैं दिन भर कार्यक्रम में था और मैं थोड़ा सा समय निकाल कर यहाँ आप लोगों के बीच आया। मैंने सोचा था कि यहाँ आने के बाद आप लोगों से समस्या की पूरी जानकारी इकट्ठा करूँगा कि बात क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो इसमें पक्षकार कौन है, कौन पार्टी बना, किसके वर्सेस किसका है, ये प्रॉपर्टी आज के दिन किसकी है, ये संपत्ति किसकी है, आदेश किसके पक्ष में हुआ है। लेकिन चूंकि समस्या इतनी बड़ी है कि ये बैठक नहीं बल्कि प्रभावित लोग, आप हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए इसलिए कि आपके सामने तलवार लटकी है और ये आम सभा का रूप हो गया। तो अभी मेरे से पहले दो लोगों ने अपनी बात को रखा, लेकिन अभी भी मैं पूरी बात जीरो से समझ नहीं सका कि इसमें कोर्ट कौन गया, पार्टी कौन बना, क्योंकि डालमा नगर उद्योग समूह की जो जमीन है उसको तो रेलवे ने खरीद लिया है या एक्वायर कर लिया है, तो कहां तक उनकी संपत्ति है, कहां तक किस किस जमीन, किस किस कॉलोनी, किस किस क्वार्टर तक का उनकी सीमा है, क्या केवल जो फैक्ट्री का एरिया है उसको रेलवे ने खरीदा है कि जहां खड़े हैं, बाकी जहां कॉलोनी है केवल फैक्ट्री एरिया, इसका मतलब यह हुआ कि रेलवे से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो क्वार्टर खाली कराया जाने वाला है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, वो फैसला किसके पक्ष में हुआ है, खाली करा के किसको पजेशन दिलाया जाएगा, सेल करेगा, हाँ सेल कौन करेगा, पार्टी कौन बना, कंपनी जस्ट, पूरी जानकारी जब आप लोग हमको दीजिएगा और ये लिख कर दीजिएगा तब तो हम, ये मामला किसका है फिर, मतलब कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री का है कि किसका है, एनसीएलटी में केस है कि बीएफआईआर में, बीआईएफआर में है कि किसका है? बालाजी बहुत मतलब इनको तो जानकारी होना चाहिए मैं समझता हूँ, या बाकी वर्मा जी को, या बाकी आप लोगों को, जिनको भी, दिनेश जी को, जिनको भी हो। तो बात जब पूरी, आप एक तो ये भी मैं अभी तक नहीं जानता हूँ कि ये फैसला कब आया, अब आपके पास मात्र 5 दिन आपके हाथ में है, इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं ये भी मुझे देखना पड़ेगा और क्या संभव है ये भी सोचना पड़ेगा। ये फैसला कब आया था, 22 के दिसंबर से लेकर 23 के 25 अगस्त तक आप कहाँ थे, रिजेक्ट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया है हम लोग, फिर जो पक्ष आपका था
आपकी बात सुनी नहीं गई कि आप सुप्रीम कोर्ट यदि आपको आप गए तो आपको स्टे नहीं मिला होगा, इसका मतलब अगर स्टे मिलता तो ये कार्रवाई नहीं होती खाली कराने की। तो इस लड़ाई को बहुत तरीके से दो तरह से लड़ना होगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आगे सरकार या स्थानीय प्रशासन मजबूर होता है कोर्ट के आदेश का, जब तक कि उसके ऊपर का कोई किसी कोर्ट का आदेश नहीं हो, कोई स्थगन आदेश नहीं हो, कोई उसके अगेंस्ट का ऑर्डर नहीं हो, तब तक प्रशासन तो मजबूर होता है। वो चाहकर भी आपके साथ सहानुभूति होगा किसी का व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कोर्ट के आदेश को लागू करना, मानना, उसका इम्प्लीमेंट करना, उसको कंप्लाई करना, ये कोर्ट के ये उस अधिकारी की मजबूरी है जिनको ये आदेश मिला होगा कि आप इस काम को करिए। अब आज तो 25 खत्म हो गया, 26, 27, 28, 29 चार दिन और 30 को तो पांचवें दिन तो ये होना ही होना है। लेकिन अब जो आप लोगों के पक्ष में, चाहे इधर से उधर से पार्टी कौन है, और लिक्विडेटर एक पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष एक्स एम्प्लाइज यूनियन होगा, कोई संघ होगा गिरजानंदन से, तो उनकी बात मतलब ये तथ्य या तो सही से रखा नहीं गया कि क्या कहाँ क्या कमी रही, या तो फिर आपका पक्ष कमजोर था कि आपके पास कोई आधार या कोई मजबूत दावा नहीं था कि कोर्ट आपकी बात को माने, या कुछ भी होता तो ये भी होता कि